बीआरएस के रुख में खान उस्ताद काउंसिल कविता ने मरकजी हुकूमत पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। आज नरेगा एसोसिएशन के खायरीन के साथ अपनी रिहायश गाह पर उन्होंने एक मीटिंग मुनाकिद की। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने बजट 2023-24 में नरेगा के फंड्स में काफी तखफीफ की है। उन्होंने कहा कि नरेगा के लिए सिर्फ 60,000 रुपए मख्तस किए गए हैं, जो कि पिछले साल से 33% कम है। उन्होंने कहा कि साल 2020-21 के बजट में 1,10,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे, उसके बाद साल 2021-22 में इसे कम करते हुए 98 करोड़ क्या गया, 98,000 करोड़ क्या गया, उसके बाद पिछले साल उसी रकम को मेंटेन 89,400 करोड़ रुपए 22-23 के बजट में मख्तस किए गए थे, जबकि इसमें मजीद कमी करते हुए इस साल इस रकम को 60,000 करोड़ मख्तस किया गया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को सही तरीके से अमल करने के लिए स्कीम पे मरकज को 2,72,000 करोड़ रुपए मख्तस करने होंगे।